देखो मैंने जिंदगी में हमेशा बंदूक को अहमियत दी है। हर लोगों का, हर आवाम का यह हक है कि अगर उसको रेजिस्टेंस करना पड़े तो वो कोई भी तरीके अपना सकती है। बंदूक की मैं कद्र करता हूं। मेरे को ताज्जुब होता है कि इतनी बंदूकें झेली, इतने मारे गए, इतने मरे, बहुत सफरिंग हुई, बहुत पेन का मैंने सुना, मैं तंग आ गया ये सब सुनकर। अब मुझे ताज्जुब होता है कि लोग सफरिंग की बात कर रहे हैं कि जब लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने अपने रेजिस्टेंस से ये साबित कर दिया कि इतनी जाने गवाने के बावजूद, इतने डिसअपीयर्ड होने के बावजूद, इतने मैसेकर्स होने के बावजूद, इतने बलात्कार होने के बावजूद, इतने सब रिप्रेशन ऑपरेशन ऑक्यूपेशन होने के बावजूद, लोगों की दिमाग से आजादी का जो सपना है वो मिटा नहीं सकता। आज अगर किसी, ये सबसे अहम बात है, बंदूकधारियों ने 21 साल में इस तहरीक को जिंदा रखा, ये उनकी काबिलियत है। उनके हाथों गलतियां हुई, सही है, उनके हाथों बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं होते, ये तहरीक पहले ही बैठ जाती। उन्होंने वो तैयार करी और पिछले 3 सालों में संगमारों ने छलांग लगाकर वहां पहुंचा दिया है इस तहरीक को कि अगर इसके बाद आपको आजादी नहीं मिलेगी तो उसका, उसकी जिम्मेदारी किसी और के नहीं, आपके ऊपर है। क्योंकि जो मुमकिन है उसको अगर नामुमकिन बनाया किसी ने तो आज आप ही बना सकते हैं। ये समझ लें, बंद कमरों में बैठकर अपनी हुई दबी हुई आवाज में आप आजादी की बात करें, लाना था उन पर, आने की जरूरत है बाहर, सोचने की क्या तरीका हो सकता है। मैं फेसबुक वालों को गालियां नहीं दे रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि लिखो, जरूर लिखो। तुम लोग सबके पास हथियार हैं, कलम है, आवाज है, अब सोचो कि किस तरह से इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने जिंदगी में हमेशा बंदूक को अहमियत दी है। मैंने हमेशा सोचा है कि ऑक्यूपेशन हो ऑपरेशन हो, हर लोगों का, हर आवाम का यह हक है कि अगर उसको रेजिस्टेंस करना पड़े तो वो कोई भी तरीके अपना सकती है। बंदूक की मैं कद्र करता, इसलिए मैं उसकी जिम्मेदारी भी मानता हूं और कबूलता हूं। लानत है उनको जो बंदूक को इस्तेमाल करते हैं लोगों को दबाने के लिए, उनको लिबरेट करने के लिए, वो तरीका अलग होता है। We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! काश नारों से फ्रीडम मिल जाता। काश।